नमस्कार, मैं प्रियांशी। आप देख रहे हैं द ग्लोबली न्यूज अपडेट। डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आज शुभ उद्घाटन हुआ, जिसकी लगभग उद्योग रिपोर्ट में 15-20% की मजबूत बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं चीजों को और विस्तार से समझते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। धन्यवाद। आप शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुअर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक निया मूर्ति नदी लाटागुड़ी। सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जैसे हमारे मार्केटिंग हेड सहन बासु जी ने बताया, आज हमारा दो पर्पस था इधर आने का। एक तो नॉर्थ बंगाल में हमने पहला सोल्यूशन प्लाजा ओपन किया है। सोल्यूशन प्लाजा होता है जहाँ पे पूरी डाइकिन की रेंज डिस्प्ले होती है। हमारे पार्टनर भी इधर हैं शाह मार्केटिंग से, मिस्टर प्रदीप शाह। सो इनके साथ हमने मिलके सोल्यूशन प्लाजा ओपन किया है ताकि यहाँ की कस्टमर्स को एक लेटेस्ट रेंज ऑफ एयर कंडीशनर्स देखने को मिल पाए और वो खरीद सकें वहाँ से। एज यू नो, डाइकिन इज वर्ल्ड्स नंबर वन एंड ऑल्सो इंडियाज नंबर वन एयर कंडीशनिंग कंपनी। लास्ट ईयर हमने 10,500 करोड़ की टर्न ओवर पर क्लोज किया है इंडिया ऑपरेशन। ओके, वी आर बाय फॉर नंबर वन विद 20% प्लस मार्केट शेयर इन इंडिया इन एयर कंडीशनिंग मार्केट। एंड ईस्ट मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रो कर रही है मार्केट ये जो है, क्योंकि पेनिट्रेशन लेवल अगर इंडिया में 7-8% है तो ईस्ट की मार्केट में उसका हाफ है, और मे बी सिलीगुड़ी में हो सकता है उसका भी हाफ हो। तो मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, और हमने देखा है लास्ट ईयर मार्केट ऑलमोस्ट 50% से ग्रो की थी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नंबर वन एयर कंडीशनिंग कंपनी है, और आल्सो इंडिया की नंबर वन एयर कंडीशनिंग कंपनी है। ईस्ट इंडिया की मार्केट बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है इस टाइम इंडिया में ईस्ट की मार्केट। लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल में तकरीबन 710 करोड़ की टर्नओवर किया है। ईस्ट इंडिया में हमने 1200 करोड़ की टर्नओवर किया था, जिसमें कि वेस्ट बंगाल का पार्ट था उसमें 700 करोड़ प्लस। और आने वाले टाइम में हमें और इस मार्केट से काफ़ी होप है कि मार्केट और ग्रो करेगी। हमें उम्मीद है कि हम हर 2 साल में इस मार्केट में अपना जो सेल है डबल करेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ अग्रेसिव प्लान वी हैव, क्योंकि मार्केट आल्सो इज ग्रोइंग दैट वे, और यही पर्पस था हमारे आने का। यहाँ पे हम लोग आज दिन में हमने बात किया सोल्यूशन प्लाजा ओपनिंग के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे स्किल की एक मेजर चैलेंज है। जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रही है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है उसको लगाने वाले, इंस्टॉलेशन करने वाले, सर्विस करने वाले। तो हम यहाँ पे एक लोकल किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके एक हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी ओपन करेंगे इन नेक्स्ट 3-6 मंथ्स टाइम में। हमारा ये बड़ा नोबल कंसेप्ट है हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। हमारे 26 ऑलरेडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया में रन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है ये इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेबोरेशन है। हम उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट देते हैं, हमारे ट्रेनर आते हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए, और जब बच्चे निकलते हैं वहाँ से ये जो ITI टाइप जो या डिप्लोमा वाले, वो हमारे डीलर्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एब्जॉर्ब नहीं होते तो वो मार्केट में अदर पीपल के रेज्यूम। तो इससे इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेन मैन पावर अवेलेबल होती है, क्योंकि इंडस्ट्री नेक्स्ट 10-15 साल में ग्रो करने वाली है। जैसे हीट बढ़ रही है, लोगों की क्या बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम बेटर हो रही है, तो ये इंडस्ट्री तो ग्रो करनी ही करनी है। तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बीइंग ए मार्केट लीडर हम बहुत सारे ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमारे वहाँ पे दोनों जगह पे निमराना और सिरी सिटी में हमारा ACDC है, जिसको हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पूरी हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी है हमारे पास। फिर निमराना में एक हमने एक और ओपन किया था, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइकिन जैपनीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, जो कि
इंडिया और जापान गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से उन्होंने तीन कंपनी को आइडेंटिफाई किया था, टोयोटा, सुजुकी और डाइकिन को, कि वहां से आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसोर्सेज क्रिएट करो, क्योंकि इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ मोदी जी दे वांट टू मेक इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, जो कि चाइना काफी आगे है हमारे से मैन्युफैक्चरिंग में, बट ये थ्रू दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव दे वांट टू मेक इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब। हम एक छोटी सी, आपको ये लाइट सेटल हो जाए तो एक, 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 तीन चार मिनट की हेवी है वो भी दिखाएंगे कि हमारा पर्पस क्या है ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज कि अगर एम्पावर करना है यूथ को और हमें वुमन्स को एम्पावर करना है तो ट्रेनिंग से बेटर कोई मेथड नहीं है। तो हम लोग इस इनिशिएटिव के थ्रू वहाँ की जो राजस्थान की बड़ी हम्बल फैमिलीज हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती एजुकेशन, उनके लिए हम लोग ये जो हमारा जो डैक इन जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुफैक्चरिंग एक्सेलेंस है, तो वहाँ पे हम लोग बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं। 6 months to 2 years का ट्रेनिंग कोर्स होता है वो देते हैं विदाउट एनी चार्जेस अंडर अवर CSR एक्टिविटी। और वहाँ से जब बच्चे निकलते हैं तो उनको या तो हम अपनी कंपनी में या डीलर्स के पास में उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से हम वी आर ट्राइंग टू गिव इट बैक टू सोसाइटी, आई मीन एज ए कॉर्पोरेशन थ्रू दिस CSR एक्टिविटी, एंड रिजल्ट दी रिस्पॉन्स हैज बीन ओवरवेलमिंग, बिलीव यू मी। और अभी हम हॉस्टल भी बना रहे हैं, वी आवर बोर्ड हैज सैंक्शन अनदर 25 करोड़ टू बिल्ड अ हॉस्टल देयर, ताकि बाहर के बच्चे भी, ना सिर्फ राजस्थान के आसपास के बच्चे बल्कि बाहर के बच्चे भी इंडिया से कहीं भी आके वहाँ पे एक लेटेस्ट इक्विपमेंट के ऊपर लेटेस्ट ट्रेनर जो हैं उनसे ट्रेनिंग ले सके और इम्प्लायबिलिटी हम इम्प्रूव करें उसकी। तो यहाँ पे जस्ट टू टॉक अबाउट लोकल सिलीगुड़ी मार्केट या नॉर्थ बंगाल की मार्केट बात करें, तो नॉर्थ बंगाल की मार्केट रफली लास्ट ईयर 30,000 की मार्केट थी, 30,000 रूम एसी बिके थे यहाँ पे, जिसमें से कि हमने रफली 6,500 एक मिशन बेचे थे यहाँ पे इस मार्केट में। इस साल हमें उम्मीद है कि 30,000 विल बिकम मे बी 40-45,000 मार्केट, 50% ग्रोथ होगी इस मार्केट में। जैसे मैंने बताया आपको, हर साल एवरी टू ईयर दिस मार्केट विल डबल, इंडस्ट्री विल गेट, दिस मार्केट विल डबल एंड वी विल बी मोर देन डबल, मे बी 2.5 times एवरी टू ईयर्स। दिस इज द काइंड ऑफ ग्रोथ विच इज एक्सपेक्टेड इन दिस मार्केट। और इससे ना सिर्फ रूम एसी में जो स्प्रिट रखते हैं घरों में हाई वॉल स्प्रिट्स, बल्कि कैसेट्स, डक्टेबल, सेंट्रलाइज एसी, उसमें भी डाइकिन की मस्ती है। वी आर ए फुल लाइन एयर कंडीशनिंग कंपनी, वी आर नॉट ओनली रूम एसी कंपनी, वी आर ए फुल लाइन एयर कंडीशनिंग कंपनी, फ्रॉम ए स्मॉल बेडरूम चिल्ड्रन स्टडी रूम ऑफ 0.8 ton एसी टू ए लार्ज होटल और हॉस्पिटल्स और मॉल्स, एयरपोर्ट्स, हम सबकी एयर कंडीशनिंग करते हैं। 2,000 ton तक हमारे पास में एयर कंडीशनिंग के चिल्ड्रंस होते हैं हमारे पास। लास्ट तकरीबन 3-4 साल में जितने एयरपोर्ट्स हैं, मैक्सिमम एयरपोर्ट एयर कंडीशनिंग हैज बीन डन बाय डाइकिन, इक्विपमेंट उसमें डाइकिन का है उसमें। तो वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इवन जो सेंट्रल विस्ता, जो ये नया पार्लियामेंट बना है दिल्ली में, वो पूरा सेंट्रल विस्तार जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 डिफेंस मिनिस्ट्री का पार्लियामेंट है, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट बन रहा है पूरे में, या तो हमारा VRV सिस्टम लगा या हमारा चिल्ड्रन लगा। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।